गुड इवनिंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सब लोग रूल्स के बारे में जानते हैं, आपको फटाफट से 1 to 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जितना जल्दी आंसर कर सके उतना जल्दी आंसर करना है। आप में से टॉप 10 को प्राइज दिया जाएगा, फर्स्ट विनर जो होगा उसको 500, सेकेंड विनर को 300 और बाकी सब लोगों को 200 का प्राइज दिया जाएगा। आपको करना बस यही है, थ्रू आउट द क्विज अपने आंसर को फटाफट से पोस्ट करने की कोशिश करनी है एंड आपका नाम जो है वो सही नाम होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड के ऊपर है, बिकॉज हम आपको जो प्राइज मनी देंगे तो आपको आधार कार्ड से वेरीफाई भी करेंगे। तो बिना बातें किए शुरू करते हैं हमारे आज के क्विज को। कड़कनाथ इज एन इंपोर्टेंट इंडिजिनस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। कड़कनाथ का नाम सुनना है, काले रंग की है ना, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। सो कड़कनाथ की बात करते हैं, विच ऑफ द इंडियन स्टेट इज नोन एज कड़कनाथ ओरिजिन प्लेस। कड़कनाथ का जो ओरिजिन है वो इंडिया के कौन से स्टेट से, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी ई लिख के अपना सही उत्तर दीजिए। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। यस, कड़कनाथ की बात करेंगे, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का है वहां से इसे जीआई टैग मिला। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के किसी जगह का कुछ जो पहचान होता है। तो यहां पे जो सही उत्तर आएगा मध्य प्रदेश आएगा। रिसेंटली किसी और चीज को जीआई टैग दिया गया कुछ दिन पहले, क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे रिसेंट जो जीआई टैग है वो किस प्रोडक्ट को दिया गया है? अभी अभी कुछ दिन पहले दिया गया है। मैंने टेलीग्राम चैनल जहां पे आप सब लोग हैं, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से है, वहां पे उसका फोटो भी शेयर किया था। बिल्कुल आप ठीक लिख रहे हैं, मखाना को दिया गया था। कौन से स्टेट से? यस, मखाना की बात करोगे, मेनली स्टेट कौन सा कल्टीवेट करता है मखाना? इट इज बिहार। जब से जीआई टैग मिला है उसका एक वीडियो काफी वायरल हुआ जहां पे हमने देखा है कि मखाना बनाने की जो प्रोसेस है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितना हार्ड वर्क उसके अंदर लगता है। फिलहाल कड़कनाथ मध्य प्रदेश से है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्योर फाउंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सल्फर। कौन सा मेन्योर है जिसके अंदर सल्फर सबसे ज्यादा होता है? पोल्ट्री मेन्योर के अंदर, इंडियंस काउ यानी एफआईएम के अंदर, पिग के अंदर, डक मेन्योर के अंदर या फिर नन ऑफ दीज? राइट आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी ई अपना सही उत्तर लिखिए। यस, राइट आंसर की बात करते हैं, यहां पे राइट आंसर आपको करना पड़ेगा पोल्ट्री। पोल्ट्री की बात करेंगे तो पोल्ट्री के अंदर जो सल्फर कंटेंट है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। उसके अलावा टेबल आपके सामने है, सारा का सारा डेटा आपके पास है, पीडीएफ आपको एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो मेक श्योर के ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा डेटा, याद कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। Which among the following is not the feature of two-stroke engine? इनमें से कौन सा है जो टू स्ट्रोक इंजन का फीचर नहीं है? दो टाइप के इंजन होते हैं, एक होता है टू स्ट्रोक, एक होता है फोर स्ट्रोक इंजन। टू और फोर स्ट्रोक में डिफरेंस क्या होता है बताऊंगा, पहले आंसर कीजिए। इट हैज वन पावर स्ट्रोक फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। इंजन इसके लाइट होते हैं, लेस कॉस्ट देन द फोर स्ट्रोक, इंजन इज एयर कूल्ड, मोर थर्मल एफिशिएंसी। इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है अबाउट टू स्ट्रोक इंजन? ए बी सी डी ई लिख के आंसर दीजिए। आंसर जो लिखा जा रहा है, डी लिखा जा रहा है, ए लिखा जा रहा है, ए ई लिखा जा रहा है, एक ही बात करेंगे। इट हैज वन पावर स्ट्रोक फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, बिल्कुल सही उत्तर है। टू स्ट्रोक का मतलब जो अपना पावर साइकिल दो स्ट्रोक के अंदर पूरा करेगा। टू स्ट्रोक इंजन दो पावर स्ट्रोक, सॉरी, एक पावर स्ट्रोक लगाते हैं कितने में? दो आपके पिस्टन की मूवमेंट में, और उसमें क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन कितना होता है? एक ही तो होता है, ये बिल्कुल सही है। जो लोग डी लिख रहे हैं आप गलत लिख रहे हैं, डी भी तो बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। जो टू स्ट्रोक इंजन है वो क्या होते हैं? एयर कूल्ड होते हैं, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन आपको ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी नहीं दे सकते। थर्मल एफिशिएंसी लेनी होगी तो आपको फोर स्ट्रोक इंजन के साथ जाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ई बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लास्ट तक सही आंसर कीजिएगा, टॉप 10 के नाम अनाउंस किए जाएंगे। रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल एक्सिलरी और ऑक्सिलरी बर्ड्स एट द स्टेज इनिशियल स्टेज फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज। अब एक्सिलरी या लेटरल बर्ड की बात करेंगे तो इसको दिखाया गया यहां पे, इनको इनिशियल स्टेज पे रिमूव करने को क्या बोला जाता है? क्लिपिंग, बडिंग, नोचिंग, टॉपिंग या फिर बोथ ए एंड सी? क्या लगता है यहां पे सही उत्तर क्या आएगा?
ओके, राइट आंसर की बात करेंगे। इनिशियल स्टेज पे रिमूव किया है, क्लब क्लिपिंग तो नहीं बोलना चाहिए, बडिंग नहीं बोलना चाहिए, निकिंग नोचिंग तो अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां पे फिर राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर की बात करेंगे। तो आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, राइट आंसर विल बी डी, टॉपिंग आएगा। अगला क्वेश्चन, विच व्हाइट लेग हॉर्न ब्रीड, आपने सुना होगा व्हाइट लेग हॉर्न का नाम, जो फेमस है अंडे देने के लिए, विश्व में सबसे ज्यादा एग देने का जो रिकॉर्ड है 220 से 260 एग, वो किसके पास है? यस, व्हाइट लेग हॉर्न के पास। व्हाइट लेग हॉर्न ब्रीड ऑफ चिकन इज बेस्ट एग लेइंग टाइप ब्रीड, सब लोग जानते हैं। विच कंट्री इज द डोमेस्टिक प्लेस ऑफ दिस ब्रीड, इस ब्रीड का जो ओरिजिन है वो कौन सी कंट्री से हुआ है? राइट आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी और ई, क्या लगता है यहां पर सही उत्तर क्या आएगा? ओके, सो राइट आंसर की बात करेंगे, यस yes, आप बिल्कुल सही लिखे, यूरोप से इसका ओरिजिन माना जाएगा। और यूरोप की कौन सी कंट्री? यस, इट इज इटली, इटली से माना जाता है ओरिजिन किसका, आपके व्हाइट लेग हॉर्न का, जो अंडे देने के लिए फेमस है। एनी क्रॉप और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप इज ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग टू लाइव स्टॉक इज नोन एज, आपने क्या किया है, आपने कोई एक सिंगल क्रॉप या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप लगा दिया है जिसका पर्पज है पशुओं खिलाना, इमीडिएटली खिलाया जा सकता है या सेव करके प्रिजर्व करके बाद में खिलाया जा सकता है, लेकिन पर्पज जो है वो क्या है, वो उसको खिलाना ही है। तो क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या आना चाहिए, एले क्रॉप, ले क्रॉप, गार्ड क्रॉप, रिले क्रॉप या फिर बोथ बी एंड डी, सही उत्तर क्या आएगा इस प्रश्न का बताइए जरा सारे लोग। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, यह सब बिल्कुल सही लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स एले क्रॉप के साथ नहीं जाना चाहिए, एले क्रॉप का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, गार्ड क्रॉप अलग कॉन्सेप्ट है, रिले क्रॉप अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे जो राइट आंसर बचता है वो क्या आएगा, ले क्रॉप, जो एनिमल ग्रेजिंग के लिए, एनिमल फीडिंग के लिए ग्रो किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो ले क्रॉप ही तो होते हैं। आगे चलते हैं, सिट्रस कैंकर किस प्रकार की डिजीज है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म से होती है, फंगल से, वायरल से, बैक्टीरियल से या फिर नन ऑफ द अबव, राइट आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी और ई। राइट आंसर की बात करेंगे, सिट्रस कैंकर ऑफ कोर्स आप बैक्टीरियल लिख रहे हैं तो सही लिख रहे हैं, सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है, उसके अलावा यहां पे डिजीज के नेम दिए गए हैं प्लस उनके पैथोजन दिए गए हैं। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 1:1 टाइप क्ले मिनरल पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज 1:1 टाइप क्ले मिनरल, इनमें से कौन सा, ये पढ़ा हुआ ना आपने मिनरल्स के अंदर, 2:1 टाइप, तो 1:1 के अंदर कौन आता है, वर्मिकुलाइट, इलाइट, केलिनाइट, नेक्राइट और मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 1:1 नहीं होता, 1:1 के साथ जाएंगे तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सी जो है इसका राइट आंसर है, केलिनाइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, द फेवरेबल क्लाइमेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोर्टोलाइजेशन, पोर्टोलाइजेशन क्या होता है, एक लीचिंग की कंडीशन है जो कुछ स्पेशल क्लाइमेट के अंदर होती है, सो पोर्टोलाइजेशन की प्रोसेस के लिए बोला गया ऑफ सोयल फॉर्मेशन स्पेशली, तो पोर्टोलाइजेशन जो है उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोर्टोलाइजेशन कहां पे होगी, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड और बोथ सी एंड डी। देखो मैंने बोला लीचिंग, तो एरिड और सेमी एरिड तो आएगा नहीं, और वो नहीं आया तो बोथ सी एंड डी भी नहीं आएगा। अब ए और बी में से जज कर लो राइट आंसर क्या आएगा, गलत लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, ई लिख रहे हैं आ ही नहीं सकता, डी लिख रहे हैं आ ही नहीं सकता, अभी तो बताया कि स्पेशल है भाई वो स्पेशल कंडीशन के अंदर, ए या बी, राइट आंसर की बात करेंगे, यहां पे राइट आंसर क्या आएगा, बी, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट जिसके अंदर क्या होता है, पोर्टोलाइजेशन होता है। पोर्टोलाइजेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन लिखी गई है। आगे चलते हैं, विंड इरोजन विल बी हायर फ्रॉम, दो टाइप के इरोजन होते हैं, एक होता है वॉटर इरोजन, एक होता है विंड इरोजन। वॉटर इरोजन जहां पे आपने स्प्लैश, रिल, गली या फिर ये सब नाम सुने होंगे, और विंड इरोजन जिसके अंदर आपने सोल्टेशन, सरफेस क्रीप या फिर आपने सस्पेंशन का नाम सुना होगा। तो यहां पे विंड इरोजन जो है वो ज्यादा किसमें होगा, सैंडी सोयल, क्ले सोयल, बैरन सैंडी सोयल, लोम सोयल या फिर ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस तो आ नहीं सकता, ज्यादा की बात की गई है ना, तो सब में ज्यादा नहीं, सब में से किसी एक के अंदर ज्यादा होगा, क्ले में तो होने से रहा, लोम में होगा नहीं, ऑल ऑफ दिस में होगा नहीं, सैंडी के अंदर ज्यादा होगा या बैरन सैंडी के अंदर ज्यादा होगा बताइए, यस है ना। ए जो बच्चे लिख रहे हैं, बच्चों सोचो अगर सैंडी सोयल में क्रॉप ग्रो कर रखी है तो कहां पे होगा, लेकिन जो बंजर भूमि है ना, खाली पड़ी है यार, उस पे सबसे ज्यादा होगा, तो यहां पे ए नहीं, राइट आंसर क्या आएगा, यस राइट आंसर विल बी सी।
डोडर की बात करते हैं, आपने देखा होगा, क्या मुझे बताएंगे डोडर का कॉमन नेम क्या होता है, आपके यहां पे डोडर को क्या बोला जाता है? डोडर इज अ सीरियस वीड ऑफ, अटैक तो काफी सारों पे कर जाता है लेकिन ये सीरियस वीड किसका है? डोडर को आपके यहां क्या बोला जाता है? कोई कह रहा है कसकुटा, क्या आपके यहां लोकल वर्ड इसे यूज कर रहे हैं कसकुटा? आपके यहां इसे क्या बोलते हैं, लोकल वर्ड क्या यूज किया जाता है? यस, किसी ने लिखा है अमर बेल, मेरे हिसाब से आपके यहां अगर लोकल वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है तो अमर बेल किया जाता होगा। अब मुझे राइट आंसर बता दो, इसका राइट आंसर क्या आएगा? जो डोडर है वो किसका सीरियस वीड है? बरसीम, लूसन, ओट, कासनी या फिर ए एन बी? दोनों तो आएगा नहीं, एक उत्तर आएगा, उसी एक उत्तर के अंदर आप लोग क्या लिख रहे हैं, ई भी लिखा जा रहा है, बी भी लिखा जा रहा है। ज्यादा लोग बी के साथ जा रहे हैं, ज्यादा लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। राइट आंसर यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, लूसन विल बी द राइट आंसर। डोडर यानी अमर बेल जो है लूसन का बहुत सीरियस वीड, आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर जकड़ लेगा और सारे के सारे क्रॉप को डैमेज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, एक्सेस ऑफ क्लोराइड्स इन टोबैको, अगर टोबैको के अंदर क्लोराइड ज्यादा हो जाएंगे तो उससे उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? Inhibit the leaf burn and reduce leaf storage capacity, या फिर रिड्यूस कर देगा लीफ के साइज को, उसके अंदर से आने वाली खुशबू यानी अरोमा को। इंक्रीज द लीफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड लीफ बर्न, इंक्रीज द लीफ साइज एंड अरोमा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या लगता है सही उत्तर क्या आएगा? ए बी सी डी और ई। ओके, राइट आंसर की बात करेंगे, ए बी और सी तीनों ही आंसर लिखे जा रहे हैं। यहां पर जो राइट आंसर आएगा इट विल बी ए, रोक देगा लीफ बर्न को, रिड्यूस कर देगा लीफ स्टोरेज कैपेसिटी को। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गल कम्युनिटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी? बीजीए का नाम आपने सुना होगा, तो इसके अंदर कौन सा है जो प्रिंसिपल नाइट्रोजन फिक्सिंग, फिक्सिंग का मतलब समझते हैं ना, जिसे हम हिंदी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कह देते हैं। तो क्या इसमें उत्तर राइजोबियम आएगा, एनाबेना आएगा, एजोटोबैक्टर आएगा, या फिर एजोस्पाइरलम आएगा, या फिर नन ऑफ दीज? क्या लगता है सही उत्तर इस प्रश्न का क्या आएगा? यस, है ना, राइजोबियम के साथ जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है लेकिन इसका उत्तर राइजोबियम नहीं हो सकता। अगर आप यहां पर सही से पढ़ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, बीजीए, तो राइट आंसर यहां पर क्या आएगा, एनाबेना विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, हाउ मच On account payments it done due to prevented sowing or mid-season adversities प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मैं क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सारे के सारे क्रॉप लॉसेस कवर करती है। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर फार्मर को मना कर देती है कि एडवर्स वेदर और एडवर्स कंडीशन के कारण आपको क्रॉप को ग्रो ही नहीं करना, जब ग्रो ही नहीं किया तो नुकसान किस बात का, लेकिन ग्रो नहीं किया तो नुकसान हो गया ना, बिकॉज फायदा ही नहीं होगा मुझे। तो अगर गवर्नमेंट ने या कंपनी ने खुद मना कर दिया तो कितना क्लेम आपको दिया जाएगा प्रिवेंटेड सोइंग वाले केस में, कितना पैसा टोटल वैल्यू का आपको मिलेगा प्रिवेंटेड सोइंग वाले केस में? 10%, 25%, 40%, 50% या फिर 75%? बिल्कुल, बहुत सारे लोग सही उत्तर लिख रहे हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है, बिकॉज आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर रहे हैं तो आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन हर किसी को नहीं आता। तो इसकी बात करेंगे, प्रिवेंटेड सोइंग वाले केस में आपको कितना क्लेम मिल जाएगा, 25% का क्लेम आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, फ्रीजवाल एक मिल्च ब्रीड है जो क्रॉस ब्रीड है इंडिया के अंदर, जिसे बनाया गया है क्रॉस बिटवीन होलिस्टीन फ्रीजियन एंड साहिवाल। यहां पर फ्रीजवाल लिखा गया, साहिवाल का क्रॉस है वो एचएफ के साथ। What is the age at first calving of गिर in month? गिर की बात करेंगे तो गिर की age at first calving कितनी होती है? 45 to 54, 39 to 40, 48 months, 38 months या फिर none of these? आप अगर serious aspirant है ना तो ध्यान रखिएगा, पेपर आपकी क्षमता को इसी तरह से जज करेगा, क्योंकि यहां पे 48 months और 45 to 54 months में ज्यादा कुछ difference ही नहीं है। लेकिन अगर आप NABARD RRDSO और AFO के अंदर जाएंगे ना तो इसी तरह से आपकी कैपेबिलिटी का टेस्ट किया जाएगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आंसर क्या आएगा। बी के साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, राइट आंसर जो यहां पे आएगा इट विल बी 45 टू 54 मंथ्स। अब यहां पे आपका डाउट हो सकता है कि सर यही आंसर क्यों आया, है ना, एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। हाल फिलहाल में बिकॉज एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, जब उसका लेक्चर लूंगा तो इस वाले पार्ट पे आऊंगा, फिलहाल आगे चलता हूं। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल इंप्लीमेंट इज अबाउट, हर किसी इंप्लीमेंट की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है ना,
कि कुछ तेज चलते हैं तो ज्यादा एरिया कवर करेंगे, कुछ स्लो चलते हैं कम एरिया कवर करेंगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल इंप्लीमेंट्स की बात कर रहा है कि ट्रेडिशनल इंप्लीमेंट कितना हेक्टेयर एक दिन में कवर कर देंगे, 0.3 से 0.4, 3 टू 4 हेक्टेयर, 4 टू 5 हेक्टेयर, 0.8 टू 0.9 या फिर 0.7 टू 0.8, ट्रेडिशनल इंप्लीमेंट कितना कवर करेंगे? आंसर जरूर करिएगा, बिकॉज जितने भी लोग क्लास में है ना लाइव, क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूं, इंटेंशन आपको 500-300 रुपए देना नहीं है, इंटेंशन आपको क्वालिटी क्वेश्चन देना। आप एक बार पिछले 5 साल के पेपर उठाइए और फिर इन क्वेश्चन को देखिए और देखिए क्या ट्रेडिशन, क्या पेपर, क्या पैटर्न मैच हो रहा है, आप खुद समझ आएंगे। तो आंसर जरूर कीजिए, राइट आंसर ए के साथ लोग जाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल सही उत्तर है, 0.3 to 0.4 हेक्टेयर पर डे के ट्रेडिशनल इंप्लीमेंट कवर करेंगे। उसके अलावा इंप्लीमेंट कितना कितना कवर करेंगे, डेटा मैंने यहां पर दे दिया है, पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगा, नोट करिएगा। ये हेक्टेयर पर आर के अंदर है, ये आर पर हेक्टेयर के अंदर, बट पेपर में पूछा जाता है। आगे चलेंगे, किसान संपदा योजना, जिसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी कहा जाता है, पहले इसका नाम ओनली संपदा था लेकिन बाद में प्रधानमंत्री किसान संपदा कर दिया गया। यह स्कीम किससे रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग से, क्रॉप इंश्योरेंस से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, फर्टिलाइजर से या फिर क्रॉप प्रोडक्शन से? क्या लगता है सही उत्तर क्या आएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ठीक है, राइट आंसर की बात करेंगे तो यहां पे आपको जाना पड़ेगा सी के साथ, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तो परंपरागत कृषि विकास योजना है, पीएम किसान संपदा जो है वो किसके लिए है, फूड प्रोसेसिंग के लिए, जिसके लिए मेगा फूड पार्क का नाम भी आपने सुना होगा, है ना। अम्ब्रेला स्कीम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, मेगा फूड पार्क भी उस पर फोकस है, किसान संपदा योजना भी किससे रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग से। आगे चलते हैं, कॉर्मोवलेंस आरवेंसिस वीड इज एसोसिएटेड विद द विद विच क्रॉप, कॉर्मोवलेंस आरवेंसिस जिसे हिरण खुरी भी कहा जाता है, वो किस क्रॉप के साथ एसोसिएटेड है? बरसीम पे लगता है, बरसीम में होता है, रेपसीड, ओकरा, वीट या फिर पैडी? ये आसान सा क्वेश्चन है, आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, सभी को पता है, सही उत्तर दीजिएगा। बच्चे ए भी लिख रहे हैं, डी भी लिख रहे हैं, राइट आंसर ए नहीं आ सकता, राइट आंसर क्या आएगा, डी विल बी द राइट आंसर, हिरण खुरी, कॉर्नविलस आरवेंसिस। अरे भैया पढ़ा नहीं है, एक होता है मिमिक्री वीड, एक होता है लक्षण वीड, आर्जिमोना मैक्सिकाना जो है वो क्या होता है, गेहूं का मामा, मिमिक्री वीड, और आपका जो कॉर्नविलस आरवेंसिस है ये क्या होता है, बताइए जरा मुझे, कॉर्नविलस आरवेंसिस जो होता है ये किस तरह का वीड है आपके वीट का? राइट आंसर की बात करेंगे तो ये सब बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, ऑब्जेक्शनेबल वीड है ये वीट का, और मिमिक्री वीड कौन होता है, वो आपका आर्जिमोना, मैं सही बोल रहा हूं, आर्जिमोना मैक्सिकाना तो यार सत्यानाशी हो गया, फेलरिस माइनर, यार मैं मिस्टेक कर गया हूं, आर्जिमोना मैक्सिकाना तो ऑब्जेक्शन में वीड हो गया मस्टर्ड का, जिससे सत्यानाशी कहा जाता है, मैंने सत्यानाश कर दिया था आंसर का, बट शुक्र है याद आ गया यार, है ना। फेलरिस माइनर जो होता है वो क्या होता है, उसे गेहूं का मामा, मिमिक्री वीड कहा जाता है वीट के अंदर, और कॉर्नवलस आरवेंसिस जो होता है वो ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है वीट का, और आर्जिमोना मैक्सिकाना ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है मस्टर्ड का। अब बात आ ही गई है तो बता दीजिए, क्या इस वीड से कोई बीमारी भी फैली है क्या, मस्टर्ड का जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है क्या उससे कोई बीमारी भी फैली है? यस ऑफ कोर्स, आप सही लिख रहे हैं, ड्रॉपसी नाम की डिजीज जो दिल्ली के अंदर स्प्रेड हो गई थी, व्हाई, बिकॉज मस्टर्ड के अंदर आर्जिमोना मैक्सिकाना के सीड जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है मिक्स हो गए थे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच सोयाबीन इज हार्वेस्टेड? पहले तो बता दूं, आप इसे हमेशा सोयाबीन बोलते हैं तो सोयाबीन नहीं, यहां पे इसका प्रोनंसिएशन क्या होगा, सोयाबीन। राइट आंसर की बात करेंगे, आंसर आप पहले से टाइप कर चुके हैं बिकॉज कुछ लोगों को दिख भी गया होगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास सी के आंसर आ चुके हैं। राइट आंसर जो आएगा यहां पे सी, यानी 17% मॉइस्चर पे हम उसे हार्वेस्ट करेंगे। व्हाट इज द फैट परसेंटेज इन द फुल क्रीम मिल्क? मार्केट में दूध लेने जाओगे तो आपको वापस स्किम मिल्क, डबल टोन्ड, टोन्ड, स्टैंडर्डाइज फुल क्रीम मिल्क मिल जाएगा। फुल क्रीम मिल्क के अंदर फैट परसेंट कितना होता है, स्किम मिल्क के अंदर 0.5% तक हो सकता है, डबल टोन्ड के अंदर 1.5% होता है, टोंड के अंदर 3% होता है, स्टैंडर्डाइज के अंदर 4.5% होता है, और फुल क्रीम के अंदर आप बता रहे हैं 6% होता है। आगे चलेंगे, एट विच स्टेज हेलिकोबरप्पा आर्मी जेरा डैमेज द प्लांट? अच्छा, पहले मुझे हेलिकोबरप्पा आर्मी जेरा का
कोमल ने बता दो आप इसे किस नाम से जानते हैं, हेलीकोबरप्पा आर्मी जिरा को आप किस नाम से जानते हैं, लोकली इसे आप क्या बोलते हैं, बिकॉज इसको देखा तो सब लोगों ने है, इसे पढ़ा भी सब लोगों ने, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ना यार, इंपॉर्टेंट चीजें तो हम सब लोग पढ़ लेते हैं। तो बताइए जरा आप इसे क्या बोलते हो, इसे पोड बोरर बोलते हो, ग्राम पोडर बोरर बोलते हो, कुछ लोग कह रहे हैं सर कैटरपिलर बोलते हैं, चलिए पोड बोरर वाली बात मान लेते हैं। अब जरा मुझे बता दो इसका जो स्टेज है डैमेजिंग स्टेज वो कौन सा है, ग्रब है, कैटरपिलर है, मैगट है, अडल्ट है, या फिर नन ऑफ दीज है, राइट आंसर क्या आएगा? जो लोग हमारे स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं अभी आपका ये वाला पार्ट कवर हो गया है, हो गया क्या, पढ़ा दिया गया इस वाले पार्ट को, पढ़ाया गया तो आप सब लोग सही बताएंगे। राइट आंसर जो यहां पे आएगा, बहुत सारे लोग कैटरपिलर के साथ जाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल ही सही उत्तर है, कैटरपिलर विल बी द राइट आंसर। ओके पढ़ा दिया गया, आगे चलेंगे। पोर्शन ऑफ कैपिलरी वॉटर जो पानी होल्ड रहता है माइक्रोपोर्स के अंदर, लाइंग बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड विल्टिंग कोफिशियंट, वो कैपिलरी वॉटर जो फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग कोफिशियंट के बीच का पानी है उसे क्या बोलेंगे, कैपिलरी वाटर, अवेलेबल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तो आ नहीं सकता, गलत उत्तर है। ए बी सी और डी में से बताइए कि फील्ड कैपेसिटी यानी 0.3 एटीएम से विल्टिंग कोफिशियंट यानी कि 15 एटीएम के बीच का पानी यानी कि यस अवेलेबल वाटर यार, है ना। राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर विल बी अवेलेबल वाटर। आगे चलेंगे भाई, समझते हैं ना ये सब बातें यार, बेसिक बेसिक बातें हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिलेक्शन के लिए ना आपका लेवल यू नहीं, अब आपका लेवल यू लाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि इस साल का पेपर अगर देने वाले हैं ना तो जहाज की तरह लेवल को ऊपर लेके आइए। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाने का टाइम चला गया, तो फील्ड कैपेसिटी से जो आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बीच का पानी है वो तो कैपिलरी होता है, लेकिन फील्ड कैपेसिटी से विल्टिंग कोफिशिएंट तक के बीच वाला पानी कौन सा आता है, अवेलेबल वाटर। आगे चलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर्स बाय वेजिटेटिव एम्ब्रियो एंड डेवलप विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे, एपोमिक्सस ट्रिपल फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। अगर यहां पे पार्थेनोकार्पी लिखा गया होता तो थोड़ा कंफ्यूजन का मैटर बन सकता था, बिकॉज पार्थेनोकार्पी से जो आपके सीड डेवलप होते हैं वो किस तरह, सॉरी सीड नहीं है, जो फ्रूट डेवलप होते हैं उनके अंदर सीडलेसनेस होती है, लेकिन यहां पे पार्थेनोकार्पी है ही नहीं, तो बहुत सिंपल सा उत्तर आएगा जो आप सारे लोग लिख रहे हैं। राइट आंसर यहां पे क्या आएगा, राइट आंसर विल बी सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे जाने से पहले बता दो अपनी हाथों की स्पीड को बढ़ा के रखिए, बिकॉज जितना जल्दी आप आंसर करेंगे उतना जल्दी हमारी टीम में से लोग आपका नाम नोट करेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 30 में से 30 आंसर सही देते हैं, लेकिन जो जितना स्पीडली देगा उसका नाम उतना जल्दी काउंट किया जाएगा। 7 क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं, हो सकता है कोई पीछे चल रहा हो लेकिन अब वो आगे आ सकता है, तो फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ट क्वालिटी ड्यूरम वीट इज प्रोड्यूस्ड इन विच जोन, इंडिया के कौन से जोन के अंदर बेस्ट क्वालिटी ड्यूरम वीट प्रोड्यूस किया जाता है। राइट आंसर क्या आएगा, सेंट्रल जोन, पेनिनसुलर जोन, या फिर नॉर्थ हिल, नॉर्दर्न हिल जोन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन। देखो नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न आएगा नहीं, नॉर्दर्न हिल मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, सेंट्रल जोन, पेनिनसुलर जोन, आप बताइए क्या आएगा। राइट आंसर की बात करेंगे, यहां पे जो राइट आंसर आएगा ये क्या आएगा, ऑफ कोर्स यार तुक्का बड़े आसानी से लग सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि समझ आ रहा है यार बेस्ट क्वालिटी की बात की जा रही है, तो हाँ स्पेसिफिकेशन के यहां भी जा सकते हो, लेकिन लग रहा था कि ये नहीं आएंगे। सेंट्रल जोन विल बी द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग फिशेस ज़ू प्लैंकटन फीडर, एक होती है फाइटोप्लैंकटन जो छोटे मोटे प्लांट्स को खाती है, और जो छोटे मोटे जीव जंतुओं को खाती है होती है ज़ू प्लैंकटन, तो इनमें से कौन सी ज़ू प्लैंकटन है, कटला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, या फिर ग्रास कार्प, क्या आपने इनके नाम सुने हुए हैं? फिशरीज से नबार्ड और एएफओ दोनों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़ू प्लैंकटन फीडर की बात करेंगे, ए और डी लिखा जा रहा है यहां पे, ज़ू प्लैंकटन फीडर जो है वो कौन है, इट इज कटला, सिल्वर कार्प नहीं होती है। मैं इनकी फीडिंग हैबिट और स्टेइंग हैबिट इस पीपीटी के अंदर डाल के शेयर करूंगा आपके साथ। व्हाट इज द नेम ऑफ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल which network the existing APMC mandis to create a unified national market for agriculture commodity, कौन सी ऐसी मार्केट है जो सारी APMC को कनेक्ट करके एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ गई है, राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, ई पशुहार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एम किसान, या फिर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? राइट आंसर जाएंगे, राइट आंसर के साथ जाएंगे तो ई नैम,
यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट विल बी द राइट आंसर। ईनैम एग्जिस्टिंग एपीएमसी को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आता है, सभी को एक साथ कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ पीएम आशा स्कीम। पीएम आशा स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्कीम की बात करते हैं तो फोकस किस पे? यस फार्मर्स पे यार, फार्मर्स की हेल्प ये करना चाहती है स्कीम। इस स्कीम के तीन कंपोनेंट हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो तीन कंपोनेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर रूरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना आ सकता है, उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको रिड्यूस करना आ सकता है, और उसके अलावा अगर बोलूंगा तो ओवरऑल फोकस किस पे कर जाती है, ये आपके एग्रीकल्चर पे, फार्मर्स की इनकम को सिक्योर करने पे। तो इनमें से कौन सा है जो कंपोनेंट है पीएम आशा का? प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑयल सीड पल्स और कोपरा के लिए, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम ऑयल सीड के लिए, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिंग स्कीम, मतलब कि उसे खरीदा जाएगा प्राइवेट बेसिस पे, बोथ बी एंड सी या फिर ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर तो डी और ई आएगा। अब मेरे भाई बी और सी आएगा कि ए बी सी आएगा, आप जज करिए। आंसर ई के साथ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, जो बिल्कुल सही उत्तर है। तीनों ही उसके कंपोनेंट है, वो प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑयल सीड पल्सेस कोपरा के लिए चलाता है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम जो कम मिलेगा पैसा वो दे दिया जाएगा ऑयल सीड के लिए, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्कीम स्टॉकिंग स्कीम भी चलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फटाफट से आंसर लिखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर लिखेगा उसे बड़ी जल्दी टॉप 10 में इंक्लूड किया जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। राइट आंसर की बात करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो सीईओ है, आपने यहां पे बी सी डी ई सब लिख दिया है, राइट आंसर जो आएगा रितेश चौहान। भाई जो लोग टॉप 10 के अंदर नाम लिख रहे हैं, अब इस बच्चे का मतलब इन बच्चों का नाम चेक कर लेना, बी रितेश चौहान जिस बच्चे ने इससे पहले बता दिया है, पीछे की चैट चेक करिए, बी जिस बच्चे ने ये सही बताया है, मतलब वो विनर होना चाहिए। तो प्लीज रिजल्ट बड़ा ही फेयर होना चाहिए, और चिंता नहीं करें, आप भी चाहें तो आप भी चेक कीजिएगा कि हमारे लोग कुछ पार्शियलिटी तो नहीं करते हैं ना, क्योंकि आंसर जो टॉप पे आए हैं रितेश चौहान जिन्होंने बोला होगा, वो इस क्वेश्चन का जो आंसर जान रहे हैं ना उसको प्राइज मिलना चाहिए। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड लास्ट पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग फोकस करती है उसके बारे में क्या सही है? एवरी फार्मर विल बी प्रोवाइडेड 20,000 पर एकड़ इन 3 years, 50 और मोर फार्मर विल फॉर्म अ क्लस्टर हैविंग 50 एकड़ लैंड टू टेक अप ऑर्गेनिक फार्मिंग, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इज बीइंग प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 50,000 पर हेक्टेयर ड्यूरिंग 3 years, ओनली 1 and 2 या फिर 1, 2 and 3। आराम से आंसर कीजिएगा, इसमें गलत होने के चांसेस है, बिकॉज सब लोगों ने फटाफट से ई 1, 2, 3 तीनों सही बोल दिया है। जो सही उत्तर है यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बिकॉज 50,000 पर हेक्टेयर बोला गया है और 20,000 पर एकड़, तो भैया एक एकड़ क्या होता है, एक हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं ना यार, तो अगर एकड़ के अंदर 20 मिलेगा तो हेक्टेयर में 50,000 अपने आप हो जाएगा। तो तीनों बातें सही थी। लास्ट प्रश्न पे चलेंगे, हमारे सेशन को चलते हुए 28 मिनट हो चुके हैं, 29वां मिनट है और 30वां क्वेश्चन है आपका। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज मैं फोकस करता हूं प्रोडक्टिविटी पे, बातें भी आप लोगों से बहुत सारी करता हूं, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवर करना। क्या आप 30 मिनट्स के अंदर 30 क्वेश्चन कवर करते हैं? इफ यस तो आप बेस्ट है, नहीं करते तो लीजिए, हमने 29 मिनट्स के अंदर 30 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मुद्रा स्कीम, मुद्रा के बारे में क्या सही है? इट एम्स टू प्रोवाइड लोन अप टू 10 lakhs, इट प्रोवाइड लोन टू द नॉन कॉर्पोरेट्स, लोन आर प्रोवाइडेड थ्रू कोऑपरेटिव, ओनली ए एंड बी और ऑल ऑफ दीज। यहां पे भी फिर से जल्दबाजी के अंदर बहुत सारे लोगों ने ई उत्तर कर दिया है, हर बार ई सही नहीं होता मेरे भाई। लोन आर प्रोवाइडेड थ्रू कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली, ये गलत स्टेटमेंट है, तो गलत हो गए हैं ई वाले। तो ई जिन्होंने आंसर किया होगा, वेरीफाई करने वाले लोग नाम चेक कर लेना, जिसने ई किया है उसका नाम टॉप 10 की लिस्ट से हटाना पड़ेगा। बाकी जो मेरे भाई और बहन टॉप 10 के अंदर आएंगे, फर्स्ट को 500, सेकेंड को 300 और बाकी सब लोगों को टॉप 10 तक 200 का कैश प्राइज दिया जाएगा। ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ पेटीएम पे ट्रांसफर किया जाएगा, फिर कोई बच्चा अकाउंट नंबर देता है, कोई फोन पे नंबर देता है, कोई गूगल पे दे देता है, ओनली एंड ओनली पेटीएम नंबर पे ट्रांसफर करेंगे। अगर आपके पास पेटीएम नंबर नहीं होगा तो किसी का नंबर ले लो, वो आपको जीपे वीपे पे ट्रांसफर कर देगा। क्विज के लिए प्लीज बताइएगा, आज की क्विज अगर आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज क्विज को 10 में से रेटिंग दीजिए। क्या लगता है आउट ऑफ 10 आप हमें कितने मार्क देना चाहेंगे? जो आपको ठीक लगता हो 9 दीजिए, 8 दीजिए, 7 दीजिए,
या फिर जीरो। पांच और छह दिया तो फिर मतलब की बात नहीं है, इट शुड बी एट नाइन और टेन या फिर जीरो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, सब लोग नाइन और टेन लिख रहे हैं, कोई जीरो वाला है ही नहीं आज यार, है कोई क्या? अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैं जीरो उम्मीद चाह रहा हूँ यार, मुझे अच्छा लगता है जीरो, मुझे अच्छा लगता है वो लोग जो मुझे जीरो देते हैं बट स्टिल मुझे ही लास्ट तक दिखते हैं, मतलब वो ऐसा कहते हैं कि एग्री कोचिंग वाले अच्छे नहीं है, जीरो नंबर दे दो, पर देखेंगे उन्हीं को ही, आज कोई नहीं ऐसा तो हाँ है। ये देखो धर्मेंद्र कुमार सिंह जी ने हमें जीरो नंबर दे दिए हैं, धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपके जैसा अच्छा बच्चा कोई नहीं है, नंबर जीरो दे रहे हो, देख फिर भी हम ही रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना, यही होती है लाइफ में प्रोग्रेस करने की निशानी कि लोग आपको जीरो कहें फिर भी आप ही को फॉलो करें, मतलब आप जीरो नहीं। थैंक यू सो मच, ओके तो आज की क्विज को ओवर करते हैं, होप सो आपने आज की क्विज को एंजॉय किया होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, मैं क्विज के अंदर चीजों को एक्सप्लेन भी कर सकता हूं लेकिन फिर मैं 30 मिनट्स के अंदर 30 क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बाकी आप कमेंट्स में जो लिखते हैं मैं उसे पढ़ता रहता हूं और मैं उन चीजों को फॉलो भी करता हूं, लगेगा एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो फिर एक घंटे क्विज 30 क्वेश्चन के साथ करेंगे। फिलहाल आज के टॉप 10 का नेम अनाउंस कर देते हैं, शायद अभी रिजल्ट बना नहीं है, बन रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक मुझे बता दीजिए कि आजकल आपकी जो स्टडी है वो कैसी चल रही है, क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं कि सर वैकेंसी आएगी तब करूंगा। वैकेंसी तो आ गई है, महाराष्ट्र के अंदर स्टेट एग्जाम है, उड़ीसा के अंदर स्टेट एग्जाम है, एडीओ हरियाणा जो है उसका भी स्टेट एग्जाम आ गया है, पंजाब ने वैकेंसी अनाउंस कर दी है, AFO तो आएगा ही आएगा, नबार्ड का पेपर होने ही वाला है, RRA का पेपर अगले महीने में, इससे ज्यादा वैकेंसी क्या लोगे यार, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस पढ़ाई करिए और थोड़े से सिंसियर होकर कीजिए। नाम पढ़ लेता हूं, अरे क्या लिखा है यार, खतरनाक राइटिंग लिखते हो, ये शरीन है क्या? आगे क्या जेम्स, जेम्स बॉन्ड वाला जेम्स, फिर है मेघा, शिवांगी, गायत्री, विनय, वर्षा, तेजस, ओके ठीक है। मैं टॉप 10 के नेम बता देता हूं, स्टडी प्लान पर वीडियो कीजिए यार, बहुत सारी बातें हाँ करता हूँ बट मैं करता नहीं हूँ, उसका कारण पता है क्या होता है, स्टडी प्लान कैसे हो सकता है यार? अच्छा मैं स्टडी प्लान बताता हूँ कि 9 बजे सो जाओ, 3 बजे उठो और पढ़ाई करना शुरू करो, क्या तुम्हें सूट करता है? तुम रात के 10:30 से बाबू सोना के साथ चैट शुरू करते हो तो 9 बजे कैसे सो जाओगे? हर किसी का अपना प्लान होता है यार, किसी को लगता है AFO बन के घर बनाऊंगा, किसी को लगता है कि AFO बन के पहले बाबू सोना लेके आऊंगा, स्टडी प्लान अपना अपना यार, कोई लेट नाइट सो के जाके पढ़ना चाहता है, कोई अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना चाहता है, स्टडी प्लान जैसा एंड स्टेज पे कुछ नहीं होता, वो होता है आपकी डेडिकेशन और हार्डवर्क, जितना मैक्सिमम प्रोडक्टिव टाइम ला पाएंगे लेके आइए। हाँ बाबा हंस रहे हो यार, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? आप बताओ, अगर मैंने स्टडी प्लान के अंदर बता दिया कि 9 बजे सो के 3 बजे उठना है, अब तुम्हारा बाबू कह रहा है कि 10:30 मैं तेरे से चैट करूंगी, अब बताओ तुम बाबू से चैट करोगे कि दीपक वाधवा की बात मानोगे? हाँ चैट ही करना पड़ेगा, नहीं तो बाबू किसी और से चैट कर लेगा, फिर तो काम गंभीर हो जाएगा ना। कितने खुश हो गए सारे, कितने गंदे बच्चे हो तुम। ओके कम टू द पॉइंट, टॉप 10 के नेम मैं बोल रहा हूं, झारखंड में BO एग्जाम आ रहा है, हाँ बिहार के अंदर भी तो अनाउंस हो रहा है भाई, डिस्क्रिप्टिव आएगा उसके अंदर, गाइडेंस सेशन लो एक बार, हाँ यार ये मैं ले लूंगा ठीक है ना, जो मेरा भाई ऐसे लिख रहा था कि स्टडी प्लान बताइए, बुरा मत मानना मेरे भाई, मैं तेरा सिलेक्शन चाहता हूं इसीलिए ऐसा बोलता हूं, हर किसी का पढ़ने का अपना तरीका होता है, आपको पता नहीं ये वाली बात, आप सब लोग जानते हैं, किसी से ये बात मत पूछिए कि मेरे लिए स्टडी प्लान क्या होगा, मेरे लिए अच्छा सब्जेक्ट क्या होगा, मैं किस एग्जाम की तैयारी करूं, वो अपने हिसाब से आंसर देगा, आपकी अपनी जर्नी है, आप अपनी किस्मत के, आप अपने भाग्य के रचयिता आप खुद हैं, ध्यान रखिए हमेशा याद रखिए, सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं लेकिन दोनों के चमकने का अपना अपना समय होता है, तो अगर सूरज कहे चंद्रमा को कि यार दिन में चमका कर, क्योंकि सूरज दिन में चमकता है ना यार, तो चंद्रमा उसके कंपीट नहीं कर पाएगा, तो चंद्रमा अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलता है, सूरज अपने के साथ चलता है और आप अपने के साथ चलिए। टॉप 10 की बात करते हैं, रुचि यादव ने सबसे ज्यादा आंसर, सबसे करेक्ट और सबसे फास्ट आंसर दिया है, तो आज जो 500 का कैश प्राइज मिलेगा वो रुचि यादव को मिलेगा। कैश प्राइज क्लेम करने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है हिंदी के अंदर बोल देता हूं, 95290200 यानी कि 9520090200
95-290-200 पे अपना आधार कार्ड और अपने नाम के साथ लिखिएगा कि मेरा फर्स्ट रैंक आया है और आपने प्राइज लेने के लिए मैसेज किया, और साथ में एक छोटा सा वीडियो जिस तरह का हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं उसको भेजिए। रुचि यादव का फर्स्ट रैंक है, रूपा मंडला जी का सेकेंड रैंक है। देखो रुचि और रूपा आर से दोनों लोग, दोनों लड़कियां ही हैं। लड़कियां इंडिया में टॉप पे चल रही हैं, इस बात में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। घरों के अंदर हो तब भी लड़कियां संभाल रही हैं, यूट्यूब पे कैश लेने की बात हो तब भी हमारी लड़कियां संभाल रही हैं। लेट्स सी तीसरा कौन है। तीसरा जो है थर्ड रैंक पे है शरीन जेम्स। अब शरीन जेम्स जी कौन है, टॉप टू हो गए, बाकी सभी को 200 मिलेगा तो बाकी सबका तो थर्ड रैंक ही माना जाएगा। मेघा कुमावत जी है, शिवांगी गायत्री मडाके MADAKE लिखा हुआ है गायत्री जी, उसके अलावा विनय अग्रहारी, वर्षा वर्षा कैंपल लिखा है होप्सो KAMPLE और BLE, फिर लिखा गया तेजस तेजस ABHANG, फिर लिखा गया कन्हैया कुमार। तो आप लोग टॉप 10 तक के अंदर हैं, रुचि यादव और रूपा, रुचि यादव फर्स्ट हैं और रूपा मंडला जो है ये सेकंड रैंक पे हैं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, प्राइज मनी के लिए नहीं, टॉप 10 के अंदर आने के लिए। कोशिश कीजिए हर बार इसी तरह टॉप 10 के अंदर बने रहिए, प्राइज मनी तो डेफिनेटली आपको देंगे, लेकिन आज नहीं कल देंगे, बिकॉज आज वर्किंग नहीं है, संडे है, कल आपको रिप्लाई भी आएंगे और आपकी प्राइज मनी भी आ जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइडेंस सेशन के अलावा कुछ और भी चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा, डेली आने का वादा नहीं करेंगे लेकिन संडे टू संडे बिल्कुल आएंगे, और आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो लेके आएंगे जो प्रोडक्टिव हो, जहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप मेरे से गाइडेंस मांग रहे हैं तो मेरे से ही मांगिए, मैं अच्छा नहीं लगता हूं तो किसी और से मांगिए, लेकिन किसी एक से ही मांगिए। हर किसी का अपना तरीका होता है, दो तरीकों पे दो किश्तियों पे सवार कभी नहीं होना है। एक बंदे को फॉलो कीजिए, जिसको आपका मन करे उसको कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, बट एक को कीजिए, दो को करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज हर किसी का अपना फंडा होता है, अपना तरीका होता है, अपना ही एक्सपीरियंस होता है। प्री के अंदर जो बच्चा रह गया होगा वो आपको यही कहेगा भाई प्री की तैयारी कर ले, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपने प्री की तैयारी कर ली तो मेंस में रह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उस हिसाब से गाइडेंस लीजिए जिस हिसाब से आपका सिलेक्शन भी हो पाए। दीपक सर थैंक यू सो मच, बालाजी आप ऐसा लिख रहे हैं धन्यवाद, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, कल्पना ऐसा कह रही है, आप मेरे से बात कीजिए ना। जिन लोगों को लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास, वरना मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। सीधा सैलरी लेंगे जबरदस्त फॉर्मूला, यस ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। 2-400 के पीछे क्या भागना यार, कम से कम 50,000 के पीछे भागिए कि सर आपके क्विज में आंसर सारे दूंगा और 50,000 लूंगा एक साथ। करंट अफेयर्स बिल्कुल कवर करेंगे। देखो मेरे भाई करंट अफेयर्स की बात करते हैं ना, अगेन मैंने इसीलिए कहा सब लोगों से गाइडेंस मत लेना, अरे लोगों को पता ही नहीं है यार, तुम करंट अफेयर्स लिखते हो, हम जैसे लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, हम तुम्हें बेचना शुरू करते हैं। फायदा हर किसी को उठा, तुम भी बैंक से सैलरी लोगे, हम भी तुमसे फीस लेते हैं, लेकिन सही चीजों की लेनी चाहिए। इस टाइम जो करंट अफेयर्स पढ़ रहा है वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा। रीजन, परीक्षा आपसे पूछेगी पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स। अभी तो अगस्त चल रहा है भैया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 5 महीने तो ये, फिर और 3 महीने जोड़ लो, तो यही तो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा जो अब आने वाला है। तो पहले से कोई अगर कह रहा है करंट पढ़ लो, भैया मत पढ़ना, उसको खुद को नहीं पता आपको कहां पढ़ा देगा, ना 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 गलत रास्ते पे मत चलना, मेरी बातें मत मानना, पेपर को उठा के देखना कि पेपर किस मंथ में हुआ था और किस मंथ के करंट अफेयर्स पूछे गए थे। आजकल तो 25 तारीख को पेपर होता है, 15 तारीख का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको लगता है इस टाइम करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, यह सबसे बड़ी गलत फहमी है। लोगों के पीछे मत जाइए, है ना, भीड़ में बिल्कुल मत जाइए। कोरोना कहता था भाड़ में जाओ पर भीड़ में मत जाओ, तो अब की बार तो दोनों ही कंडीशन है, ना भाड़ में जाओ ना भीड़ में जाओ, उस तरफ जाओ जहां पे तुम्हें लगे सही, अपने दिमाग का यूज करो। UKEE टेस्ट सीरीज बना दीजिए, ADU की टेस्ट सीरीज लीजिए, UKEE का पैटर्न आपका फॉलो करेगी। CUCET PG प्रैक्टिस सेट चाहिए, MSc एंट्रेंस के साथ जाइए। अगला सेशन कब होगा, संडे को होगा। हॉर्टिकल्चर के लिए बुक सजेस्ट कीजिए ना, ममता कुमारी जी एग्जाम बताइए ना, उसके हिसाब से बुक बताऊंगा ना, क्योंकि हर एग्जाम के लिए एक बुक नहीं हो सकती। गाइडेंस में सिर्फ आपका एंड मेरे पापा ये दोनों का ही लेते हुए, दोनों का गाइडेंस सेम है ना, ये सेम तो नहीं कह सकता मैं, पापा मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, बिकॉज जिंदगी में हमेशा इंश्योर करेंगे कि आपको हमेशा सही सिखाया जाए। मैं जब भी गाइड करूंगा मैं सब लोगों को एक साथ करूंगा, तो पॉसिबली मे बी वो चीज़ आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कोशिश करूंगा हमेशा आप लोगों को अच्छा बताऊं। एग्रीकल्चर कोचिंग चंडीगढ़ ऐप पर ऑनलाइन बैच कब स्टार्ट होगा, AFO के लिए ऑलरेडी चल रहा है,
एंटमोलॉजी उसके अंदर खत्म हुआ है, ट्यूजडे से प्लांट पैथो स्टार्ट होगा, तो जल्दी से कोर्स को लीजिए, ट्यूजडे से नया सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए। सर दो अब सीजन में गलती होती है। अच्छा, दो ऑप्शन बोलना चाह रहे होंगे, आपने बी लिख दिया है। दो ऑप्शन में गलती का रीजन होता है प्रैक्टिस कम होना, रिवीजन कम होना। रिवीजन करोगे तो गलतियां बंद हो जाएंगी। प्लीज माइनर सब्जेक्ट के क्वेश्चन की अलग से सेशन लेके आइए। आप इस वाले नीचे वाले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जितने लोग आपके कमेंट को लाइक करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि सारे लोग चाहते हैं, मैं अगला सेशन जो होगा सिर्फ माइनर पे दे दूंगा। लेकिन आप कहेंगे तो सर हॉर्टिकल्चर कब चालू होगा? विनय जी पूरी बात लिखिए, कहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, कोर्सेज के अंदर या फिर आपका यूट्यूब के ऊपर या फिर कहाँ पे हॉर्टिकल्चर लिख रहे हैं? और हाँ, अगर आप चालू की बात कर रहे हैं, हमारे जो कोर्सेज है उसके अंदर हम ट्यूसडे से हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज मंडे को कुछ बैचेस का टेस्ट है, ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। FCA के लिए क्लास चलाएंगे आप ऑनलाइन? बिल्कुल नहीं चलाएंगे। FCA में नॉर्थ जोन के अंदर 12 वैकेंसीज हैं, तो नहीं चलाएंगे क्लास। स्टेट एग्जाम टेस्ट सीरीज ले सकते हैं क्या? यस, आप ले सकते हैं। कोई लिख रहा है मंडे ऑफ है क्या सर? अरे मेरे भाई, बेस्ट तो लिखिए यार, मंडे किसका बोल रहा है क्या पता। ओके, दैट्स इट। आपके आंसर्स मैसेज मैंने आंसर कर दिए हैं। कुछ और आपका रह गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से आ जाऊंगा एक प्रोडक्टिव सेशन के साथ, जहां से फिर से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। 30 किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन चाहिए मुझे प्लीज लिखिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को और पास लाते रहिए। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग। जय हिंद, जय भारत।